हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज। आई एम संपत राजनागर। और बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है? अभी तक अपन ने देखा है जो भी दो अपन ने पार्ट बनाए हैं उसमें फर्स्ट अपन ने देखा है कि जनन की डेफिनेशन अपन ने देखी है, उसके बाद जनन के टाइप अपन ने देखे हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप देखे हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में अपन ने डिफरेंस देखे हैं, उनका वर्णन करा है, दोनों के डिफरेंस अपन ने देखे हैं। उसके बाद अपन ने जीवन अवधि के बारे में अध्ययन करा है, जीवन चक्र के बारे में अपन ने अध्ययन करा है। उसके बाद अपन ने अलैंगिक जनन के बारे में, अपन ने उनके प्रकारों के बारे में, खंडन के बारे में देखा अपन ने, उसके बाद विखंडन के बारे में, विखंडन के प्रकारों के बारे में, विखंडन के प्रकारों के बाद में अपन ने मुकुलन के बारे में अपन ने देखा। उसके बाद अपन ने पुनरुद्भवन के बारे में, कायिक जनन के बारे में, कायिक जनन के बारे में अपन ने फ्लो चार्ट बना। इस प्रकार से अपन ने जो आगे की दो बैक क्लासे हैं उनके बारे में अपन ने डिस्क्राइब देखा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा इंटर। जिसको भी डाउट रहे वो अपने जो चैनल है उस चैनल पर अपनी जो भी प्रॉब्लम है क्योरी वहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपने यहाँ देखेंगे कायिक जनन। क्या कायिक से मतलब, कायिक जनन का मतलब, कायिक का मतलब होता है शरीर, कायिक मतलब होता है बॉडी पार्ट्स, मतलब कायिक का मतलब होता है जिस पार्ट्स के द्वारा अपने पादप के कौन से भाग के द्वारा, या कायिक जनन जो होता है ना वो मेनली पादपों में होता है। कायिक जनन जो होता है वो मेनली पादपों में होता है। और कायिक जनन देखा जाए ना तो कायिक जिस प्रकार से आलू के भाग को या आलू को अपन बोया जाता है तो आलू के द्वारा वापस आलू का निर्माण कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से आलू क्या हो गए, एक तरह से कायिक भाग है और इस कायिक भाग ही वापस नया जीव बना ले, नया पादप बना ले या नए वापस आलू का निर्माण कर दे। मतलब आप यहाँ कह रहे हो कि कायिक जनन भी एक प्रकार की जनन की विधि है। यहाँ कायिक जनन को आप सम्मिलित करते हो वो अलैंगिक जनन में मानते हो। अलैंगिक जनन जो भी होता है वो जंतुओं में भी होता है और पादपों में भी होता है। अलैंगिक जनन पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। जो लेकिन जो पादपों में होने वाला जो अलैंगिक जनन होता है वो कायिक जनन होता है। ज्यादातर ये विकसित पौधों में आपको देखने को मिलेगा। और आप ये भी कह सकते हैं विकसित पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को, विकसित पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं या कायिक जनन कहते हैं। ध्यान में रखना, कायिक जनन में, कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाली जो संरचनाएं होती है, कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाली जो संरचनाएं होती है उन संरचनाओं को कायिक प्रवर्ध कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि विकसित पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं और ये जिन संरचनाओं के द्वारा होता है उन्हें कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आगे और देखा जाए तो अलैंगिक जनन, ध्यान रखना कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन का एक विशेष प्रकार है। इसमें विभिन्न विधियों द्वारा कलिका के माध्यम से, कलम की सहायता से पौधे प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद कायिक जनन कहते हैं, उसके बाद क्या होगा, अब आप डायरेक्ट पहले भी बोल कह रहे हो कि कायिक जनन जिन संरचनाओं के द्वारा होता है, कायिक जनन जिन संरचनाओं के द्वारा होता है उन्हें कायिक प्रवर्ध कहते हैं। जिसमें आपके जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, ये सब कायिक भाग होते हैं ना। इन कायिक भागों के द्वारा वापस नया पादप का निर्माण कर सकते हो। आपने अभी एग्जाम फ्लो चार्ट बनाया था कायिक जनन में, जड़ में, जड़ के द्वारा भी नया पादप बन सकता है, तने के द्वारा भी नया पादप बन सकता है, पत्ती के द्वारा भी नया पादप बन सकता है। उन सभी के अपन ने एग्जाम्पल देखा, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा भी नया पादप बन सकता है। ठीक है, उसके बाद नोट में अपन डाल रहे हैं पौधों में कायिक प्रवर्धन की इकाई, आलू में कंद,
आलू की आंख भी बोल सकते हो। यहाँ पर आलू की जो आंख होती है, आलू का जो कंद में आंख होती है, उस आंख के द्वारा भी नया पौधा बन सकता है। अदरक का प्रकंद, उससे भी नया पौधा बनाया जा सकता। अगेव की पत्र प्रकल्लिका, इसका डायग्राम दे रखा अपनी बुक में। उसके बाद ब्रायोफिल्लम पत्थर चट्टा की पर्णकलिका भी नया पौधे का निर्माण कर सकती है। जलकुंभी की भुस्तारिका आदि, ये सब क्या होती है, आपकी कायिक प्रवर्धन की इकाइयां होती है। इनके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है और इन संरचनाओं के निर्माण में कोई दो जनक भाग नहीं लेते। ऐसे नहीं होता कोई नर जनक और मादा जनक भाग नहीं लेता, केवल और केवल एक भाग के द्वारा नया पौधा बना सकते हो। जैसे आलू को बोओगे तो आलू वापस नया बन जाएगा, अदरक को बोओगे तो अदरक से वापस अदरक बन जाएगा, केवल एक ही जनक भाग लेगा। आपने पहले बो दिया अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेगा और अलैंगिक जनन का प्रकार ही है कायिक जनन, तो यहाँ पर भी केवल एक ही जनक भाग लेगा और इस एक ही जनक के द्वारा नया पौधे का निर्माण होगा और नए जीव का निर्माण होगा। तो आप कह रहे हो इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। आया समझ में? कायिक जनन का अपने डेफिनेशन हो गया था, देखा है अभी। अब देखेंगे कायिक जनन के प्रकार, क्या देखेंगे, कायिक जनन के प्रकार। अब कायिक जनन पौधों में दो विधियों के माध्यम से होता है, दैट इज फर्स्ट नंबर रहेगा प्राकृतिक कायिक जनन, सेकंड इज रहेगा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब है कि जो प्रकृति में जो पाए जाने वाले जो संरचनाएं उनके द्वारा अपना आप ही हो, उसमें मानव का ज़्यादा रोल नहीं है। मानव सिर्फ बोने से प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है और काम अपना आप होगा, लेकिन कृत्रिम में मनुष्य इन्वॉल्व रहेगा, मतलब वो काम करवाएगा। तो प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो निम्न विधियों के द्वारा होता है। जैसे अपन ने देखा है प्राकृतिक कायिक जनन जड़ के द्वारा भी होता है, पत्ती के द्वारा भी होता है, बाय रूट बाय लीफ पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा भी होता है। फोर्थ नंबर रहेगा तने द्वारा, फिर तने के भी अलग अलग प्रकार हैं, फिर तने भी अलग अलग प्रकार हैं। तना में फैला रहेगा भूमिगत तने के द्वारा, वायवीय तने के द्वारा, अर्धवायवीय तने के द्वारा। भूमिगत तने में कंद प्रकंद घनकंद सलकंद आता है, फिर जो अर्धवायवीय तने हैं उसमें आता है ऊपरी भुस्तारी अंत भुस्तारी भुस्तारी और भुस्तारिका। ऐसा अपन अध्ययन करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी में इनके बारे में इतना डिस्क्राइब नहीं है। एनसीईआरटी में 12th के हिसाब से इनके बारे में कोई ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं है, केवल अपन को कुछ डायग्राम और दे रखे एनसीईआरटी के बेस से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं अपना, इतना सोचना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल रहा है, थोड़ा डायग्राम दे रखे, उसके बाद में कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा। अपने प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पूरा डिस्क्राइब देखेंगे, कृत्रिम कायिक जनन के बारे में अपन नहीं देखेंगे, केवल अपन ने यहाँ पर दे रखा है कि नाम लिख रखा है, बस यहाँ तक ही अपन रहेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन के जितने भी प्रकार हैं, जैसे भुस्तारिका वायवीय, सब कुछ अपन डिस्क्राइब इसमें जितना भी होता है उतना सब कुछ देखेंगे डायग्राम सहित। फिर उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो अलग अलग विधियों के द्वारा, अलग अलग भागों के द्वारा, जो भी कायिक प्रवर्धन है उनके द्वारा होता है। पहला है जड़ द्वारा। अब जड़ द्वारा कायिक जनन हो रहा है, क्या हो रहा है, जड़ द्वारा कायिक जनन हो रहा है, तो जड़ द्वारा प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है वो ऐसे अपन ने पूरे एग्जाम्पल लिखवा दिए फ्लो चार्ट में, फिर भी यहाँ मैं बोल रहा हूँ, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन शीशम में अमरूद में डहेलिया की जड़ें होती है, उन पर विशेष प्रकार की कायिक कलिकाएं पाई जाती है, और ये कायिक कलिकाएं क्या करती है, अनुकूल परिस्थितियों में क्या होती है, अंकुरित होती है, और अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण करती है। और जो कलिकाएं हैं जिन्हें आपने नोड और इंट्रोनोड पर पाई जाती है, ये कलिकाएं क्या करती है, इन कलिकाओं को क्या बोल रहे हैं, अपस्तानी कलिकाएं। अपस्तानी कलिकाएं वे कलिकाएं होती है जो
जो तने के अलावा पौधे के अन्य भागों पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? अपस्थानी कलिकाएं वे होती हैं जो तने के अलावा पौधे के अन्य भागों पर पाई जाती है, जड़ पर पाई जा सकती है, साथ साथ में पत्ती पर पाई जा सकती है, पत्र कलिकाओं पर पाई जा सकती है और तने के जो भूमिगत भाग है वहां पर पाई जा सकती है। अगला पॉइंट चलेगा अपना पर्ण द्वारा प्राकृतिक काय जनन। पर्ण द्वारा मतलब पर्ण भी अपने आप में एक नया पौधा बना सकती है। तो पर्ण का जो एग्जाम्पल अपन ने इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल लिया था वो ब्रायोफिल्लम लिया था। ब्रायोफिल्लम को हिंदी में बोला जाता है पत्थर चट्टा। जो ब्रायोफिल्लम होता है एक विशिष्ट प्रकार की मांसल पर्ण होती, थोड़ी मोटी पर्ण होती है और इस मांसल पर्ण में खांचे पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? नोचेज पाई जाती है। ये छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? खांचे। क्या पाए जाते हैं भैया? खांचे पाई जाती है, इसको अपन बोलते हैं नोचेज। और इन खांचों में विशेष प्रकार की कलिकाएं पाई जाती है। जब पौधे से यह पत्तियां अलग होकर के भूमि पर गिरती है तो भूमि से ये नमी अवशोषित करके यह कलिकाएं वापस नए पौधे का निर्माण करती है। इस प्रकार से पर्ण द्वारा प्राकृतिक काय जनन कंप्लीट होता है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ब्रायोफिल्लम व बिगोनिया में, किसमें? ब्रायोफिल्लम व बिगोनिया में क्या पाई जाती है? मांसल पर्ण पाई जाती है और इन पर्णों पर विशिष्ट खांचे पाई जाती है और इन खांचों में क्या पाई जाती है? कलिकाएं पाई जाती है और ये कलिकाएं क्या करेगी? मिट्टी से या भूमि से नमी अवशोषित करेगी, मतलब जल अवशोषित करेगी। जल अवशोषित करके प्रस्फुटित होगी, मतलब नया पौधा बनाएगी। क्लियर? और ये पर्ण द्वारा काय जनन का, तो पर्ण है, पर्ण जमीन में गिरी, पर्ण में एक विशिष्ट प्रकार की खांचे हैं और इन खांचों में क्या पाई जाती है? अपस्थानी कलिकाएं पाई जाती है और इन अपस्थानी कलिकाएं नमी अवशोषित करी जो जड़े बन रही है अपस्थानिक, और इन अपस्थानिक जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं अंकुरित होकर के अपस्थानिक जड़े बनाएगी और नया पौधा बनाएगी। इस प्रकार से पर्ण द्वारा मतलब ब्रायोफिल्लम में पर्ण द्वारा काय जनन कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन देखते हैं पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा प्राकृतिक काय जनन। पत्र प्रकलिकाओं को अपन बोलते हैं बल्बिस। ये एक विशिष्ट प्रकार की कलिकाएं होती है जो क्या करती है? जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों के मध्य पाई जाती है, ध्यान में रखना। और ये पुष्पों के मध्य क्या करते हैं? भोजन अवशोषित करके मांसल हो जाती है, फ्लेसी हो जाती है, मोटी हो जाती है और बाद में ये अंकुरण दर्शाती है, नया पौधा का निर्माण करती है। क्या होता है? जब कलिकाएं भोजन संचय करके क्या हो गए? मांसल हो जाएगी और काय जनन करती है। तो ऐसी कलिकाओं को अपन क्या बोलते हैं? बल्बिल्स कहते हैं, पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं। और ये अंकुरण हो दर्शा करके, अंकुरण करके नए पौधे का निर्माण करती है। और ये पत्र प्रकलिकाएं कहाँ पाई जाती है? पुष्पों के मध्य बनती है। और इसका जो एग्जाम्पल होते हैं अगेव बुक में केवल और केवल NCERT में अगेव एग्जाम्पल दे रखा है। क्या दे रखा है? अगेव का एग्जाम्पल दे रखा है। ऑक्सेलिस डायोस्कोरिया पाइनएप्पल लिली क्लोरोफाइटम, ये अदर एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप केवल और केवल अगेव का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है बल्बिल का ये डायग्राम है बच्चों, अगेव का बल्बिल का चित्र। अगला पॉइंट चलेगा तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तना जो होता है ना वो सबसे ज्यादा मेन
मेन प्ले रोल करता है, मैंने मेन प्ले रोल निभाता है। सबसे ज्यादा कायिक जनन तने के द्वारा होता है। तने के द्वारा मुख्य रूप से कायिक जनन होता है और तने में मुख्य रूप से तीन प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं। रूपांतरण से मतलब अलग अलग भोजन संचय करके, अलग अलग भोजन करण करके अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तने, जो तना होता है, वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के रूपांतरण दर्शाता है। एक तो भूमिगत तना, मतलब अंडरग्राउंड, भूमि के अंदर जो पाया जाता है, ऐसा तना जो भूमि के अंदर पाया जाता है वो भूमिगत तना। अर्धवायवीय तने, जो भूमि के सरफेस पर भी पाया जाता है और साथ साथ में बाहर भी पाया जाता है। वायवीय, आधा भूमि में आधा बाहर, अर्धवायवीय। और वायवीय तने से मतलब समझ में आ रहा है कि वायु के अंदर, मतलब जो तना होगा वो वायु के सरफेस, वायु वाले स्थान पर पाया जाएगा। तो आपका तीन प्रकार के रूपांतरण होते हैं, भूमिगत तने द्वारा कायिक जनन, अर्धवायवीय तने द्वारा और वायवीय तने द्वारा। फर्स्ट आता है भूमिगत तने द्वारा। तो भूमिगत तने क्या करेंगे, भूमिगत तने को अपन जैसे बोएंगे, जैसे आलू को बोया, अदरक को बोया, तो वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, उनमें कलिकाएं बनेगी, वो क्या करेगी, उनकी आंखें ग्रो करेगी, वापस अंदर आलू का निर्माण होगा, वो भोजन अवशोषित करेगा, भोजन अवशोषित करके फूल जाएगा। तो क्या होगा, भूमिगत तने में क्या, यह तने के वह रूपांतरण होते हैं जो भूमिगत होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, और इनका मुख्य क्या कार्य, भोजन का संचय करना है, भोजन को स्टोरेज करना है, भोजन संचय, भूमि से भोजन अवशोषित कर करके और पत्तियों द्वारा भोजन जो बनता है उसको बना करके पूरा उस तने में इकट्ठा कर लेते हैं और फूल जाते हैं। तो क्या करते हैं, भोजन का संचय कर लेते हैं, और भोजन का संचय करने के साथ साथ ही क्या करते हैं, कायिक जनन भी करते हैं। ठीक है भैया, तो क्या कर रहे हैं, भूमिगत होंगे, उनका मुख्य कार्य है भोजन का संचय करना, और भोजन के संचय के साथ साथ क्या करते हैं, कायिक जनन करते हैं। ध्यान में रखना, जो भूमिगत तने होते हैं वो चार प्रकार से कायिक जनन दर्शाते हैं, कंद के द्वारा, प्रकंद के द्वारा, घनकंद के द्वारा, सलकंद के द्वारा। कंद मतलब ट्यूबर, प्रकंद मतलब राइजोम, घनकंद मतलब कोल, और सलकंद मतलब बल्ब। ठीक है, अब इनके बारे में अपन अलग अलग से देखा जाएगा। अब देखेंगे अपन भूमिगत कंद का पहला प्रकार। भूमिगत कंद का पहला प्रकार है कंद। कंद में अपन ने एग्जाम्पल बताए थे, आलू, हाथी, चोक, ऐसे एग्जाम्पल दिखाए थे। इनमें क्या होता है, इस प्रकार के रूपांतरण में क्या होता है, जो इसमें क्या होता, तना होता है भूमि के अंदर, शाखा अंदर प्रवेश करेगी और उसका जो अंतिम सिरा है वो फूल जाएगा। फूल करके क्या करेगा, फूल करके भोजन अवशोषण करके फूल जाएगा और अपना कंद का निर्माण करेगा। और उसी आलू पर क्या पाए जाते हैं, आंखें पाई जाती है, और उन आंखों पर एक विशिष्ट प्रकार की कलिकाएं, उन आंखों को एक विशिष्ट प्रकार की कलिकाएं बोल सकते हो, और वो कलिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के आवरण के द्वारा ढकी रहती है, उसे बोला जाता है सल्क पत्र। जब वो आंखें सक्रिय होती है तो सक्रिय होकर के नए पौधे का निर्माण करती है। ठीक है, कुछ समझ में, तो आप कह सकते हो इस प्रकार के रूपांतरण में तने भूमि के अंदर, शाखाओं के सिरे फूल करके गोल हो जाते हैं, और इन पर क्या पाए जाते हैं, आंखें पाई जाती है जो कि कक्षस्थ कलिका होती है, या इनको कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं, जो कि सल्क पत्र से ढकी होती है। मतलब जो आवरण आलू के ऊपर जो पहला जो आवरण पाया जाता है, जिसको अपन छिला जाता है, वो आवरण क्या होता है, सल्क पत्र होते हैं, और ये कलिकाएं सल्क पत्र से ढकी होती है, और जो कक्षस्थ कलिकाएं होती है वो सक्रिय होकर के नए पादप का निर्माण करती है। जो आलू है उसका डायग्राम देता है, आलू पर क्या पाया जाती है, ये आलू का कंद है, और इस आलू के कंद पर क्या पाया जाती है, आंखें पाई जाती है, और ये आंखें क्या करती है,
कभी कभी आपने देखा होगा कि अपने जो घरे होते हैं ना, घरों में आलू रखे रहते हैं, आलू रखे रखे क्या करके अपना आप ही उनमें क्या हो जाता है, प्रस्फुटन हो जाता है। अब कली क्या हो जाता है, उन आलू में क्या हो जाता है, प्रस्फुटन हो जाता है। प्रस्फुटन होकर के उनमें कलिकाएं नजर आ जाती है, आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती है, प्रस्फुटित कलिकाएं नजर आ जाती है, अंकुरणशील कलिकाएं नजर आ जाती है। और ये कलिकाएं क्या करती है, नया आलू का निर्माण करती है, नए पौधे का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से आलू की आंख का डायग्राम, आलू की जो प्रकंद है उस प्रकंद, आलू की जो कंद है सॉरी आलू का जो कंद है उसमें आंखें का दर्शाया हुआ डायग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद प्रकंद, प्रकंद क्या होगा, प्रकंद में आपके एग्जाम्पल आएगा अदरक हुआ, हल्दी हुआ। ध्यान में रखना, अदरक और हल्दी होता है ना वो भूमि के सेती अवस्था में ग्रोथ करता है। ध्यान में रखना, ये इस प्रकार का रूपांतरण है, जो भूमि में सेतीज वृद्धि करेगा, सेतीज बढ़ेगा और इस प्रकार से फैल करके अपना प्रकंद का निर्माण करेगा। क्या हुआ, इस प्रकार के रूपांतरण में तने मांसल होगी, मांसल का मतलब मोटा होगा, और साथ साथ में भूमि के अंदर सेतीज अवस्था में वृद्धि करेगा। और इन पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पर्व पाए जाते हैं, छोटे छोटे पर्व पाए जाते हैं, मतलब इंटरनोड पाए जाते हैं, और इन्हीं पर पर्व संध्या तथा पर्व संध्या होती है, वह शंक पत्रों से ढकी होती है। और इन पर्व संध्यों पर उपस्थित कलिकाएं क्या करती है, अनुकूल परिस्थितियों में सक्रिय होकर के नए पौधे का निर्माण करती है। एग्जाम्पल हो जाएगा अदरक हुआ, हल्दी हुआ, केला, केला वाटर लिली। ध्यान में रखना, जो केला होता है ना वो घर पर जो अपन पूजा करते हैं ना, केला का छोटा केला होता है जिसके अपन पूजा करते हैं, वो केला होता है। केला आप जानते ही हो, वाटर लिली। ये इसके बाद अपना कंद हो गया, प्रकंद हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट अपन देख रहे हैं घनकंद के बारे में। संग आपका अदरक का प्रकंद का डायग्राम है, जो अदरक का प्रकंद का डायग्राम है उसमें शल्क पत्र से ढका रहता है। शल्क पत्र दिखा रखे हैं, शल्क पत्र जो पर्व संध्या है वो शल्क पत्र से ढकी रहती है। पर्व संधि से मतलब, पर्व का मतलब है दो पर्व संधियों के बीच में पाया जाने वाला जो जगह होता है वो पर्व कहलाता है। पर्व संधि क्या कहलाती है, जो जोड़ होता है, जो जॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, पर्व संधि कहलाती है। इस प्रकार से आप इस अदरक के प्रकंद का डायग्राम बना सकते हैं। और जो इसमें अपस्तानिक मूल पाए जाते हैं, और ये अपस्तानिक मूल क्या करते हैं, वापस नए पौधे का निर्माण करती है। आगे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा है बैग में कंद के बारे में, सेकंड पॉइंट अपन ने देखा प्रकंद के बारे में, अब थर्ड पॉइंट है घनकंद के बारे में। थर्ड पॉइंट है घनकंद के बारे में और चौथा पॉइंट है सलकंद के बारे में। घनकंद का मतलब हो जाएगा जिसका पादप शरीर ऊर्ध्वाधर हो। अपन ने देखा था कंद में आंखें बनी थी, उसका सिरा फूल करके बड़ा हो गया था, और प्रकंद में जो भी पादप ग्रोथ कर रहा था, उसका जो भी भाग ग्रोथ कर रहा था वो क्षैतिज अवस्था में ग्रोथ कर रहा था। यहाँ पर जो घनकंद रहेगा उसमें ऊर्ध्वाधर वृद्धि करेगा। अरबी हमेशा ऊर्ध्वाधर वृद्धि करती है, ध्यान में रखना। इसमें एक तरह से ये संगनित भूमिगत तना है, जो भूमि में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर, जिस पर वृत्ताकार पर्व संधियां पाई जाती, बीच में नोड और इंटरनोड पाई जाती, पर्व संधियां पाई जाती है जिनमें कलिकाएं, दो बार लिखा दिया, जिनमें कलिकाएं उपस्थित होती है, जिनमें कलिकाएं उपस्थित होती हैं, जो सक्रिय होकर नए पौधे का निर्माण करती है। तो क्या हुआ, संगनित भूमिगत तना है जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकली वृद्धि करता है, जिस पर पर्व संधियां पाई जाती है, जिन पर कलिकाएं उपस्थित होती है, जो
क्या करती है, सक्रिय होकर के नए पौधे का निर्माण करती है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा अरबी और जमीकंद, और अरबी का उदाहरण डायग्राम दे रखा है। उसके बाद आता है सलकंद। सलकंद का मतलब होता है कि इसके ऊपर पूरा का पूरा प्याज और जो लहसुन रहते हैं उसके ऊपर सल्क पत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सल्क पत्रों से ढका होता है, जो अब सुरक्षा करने से संबंधित होता है, पूरा ढका रहता है, जिसको अपन छिल करके फिर अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के रूपांतरण में तना डिस्क के रूप में होता, अंदर जो तना होता है वो डिस्क के रूप में होता है, खोखला सा होता है जो बाहर निकलता है, तना डिस्क के रूप में होता है, और इसके चारों ओर मांसल पर्ण पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? प्लेसिलियस पाई जाती है, और ये नीचे की ओर बहुत सारी अवस्था, और इनके नीचे की ओर जो तना होता है मांसल पर्ण होती है, पूरे आपस में से ज्वाइंट होकर के नीचे की ओर बहुत सारी अपस्तानिक जड़ें निकलती है। इस प्रकार से सलकंद होता है। सलकंद में प्याज और लहसुन आएगा, प्याज और लहसुन आएगा, और प्याज का वैज्ञानिक नाम एरियम सीपल, लहसुन का वैज्ञानिक नाम एरियम सेटाइलम है, और ये प्याज का डायग्राम दे रखा है। प्याज में ये अपस्तानिक मूल्य पाए जाती है, ऊपर के अपस्तानिक पूरा का पूरा अपस्तानिक जड़े अपस्तानिक इसके लिए लीव्स पाई जाती है, और इसमें बल्ब पाया जाता है। इसके लिए लीव्स आपको बाहर देखने को मिलेगी, इसके लिए लीव्स बाहर देखने के पाई जाएगी, और अंदर की ओर मांसल पर्ण पाई जाती है, अंदर की ओर मांसल पर्ण पाई जाती है, जिसे आप लेसी लीव कर सकते हैं। क्या पाए जाते हैं? मांसल पर्ण पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका घनकंद और सलकंद समाप्त होता है। अब सेकंड पॉइंट चलेगा भूमिगत तने के बाद में अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तने क्या होंगे? जो आधे भूमि में भी रहेंगे और आधे वायु में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो तने होगा वो कायिक जनन के लिए रूपांतरित होगा। जो अर्धवायवीय तने हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक ऊपरी घुस्तारी जिसे रनर बोला जाता है, दूसरा अंत घुस्तारी जिसे सकर बोला जाता है, उसके बाद तीसरा है भुस्तारी स्टोलोन, और थर्ड है भुस्तारी का। चार प्रकार का अपन ये अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ऊपरी भुस्तारी। ऊपरी का मतलब होता है जो ऊपर की ओर चले, ऊपर की ओर चले। तो इस प्रकार के अर्धवायवीय रूपांतर में तना भूमि की सतह पर रेंगता हुआ, तना भूमि की सतह पर रेंगता हुआ वृद्धि करता है। क्या होगा? तना भूमि की सतह पर रेंगता हुआ क्षैतिज वृद्धि करता है, इसलिए इसे ऊपरी भुस्तारी कहते हैं। और जो जो तना होता है उस तना पर क्या पाया जाती है? पर्व पर्वसंधियां पाई जाती है, जो भूमि की सतह पर रेंगता हुआ चलता है। इसमें पर्वसंधि से भूमि के नीचे की ओर तो अपस्तानिक जड़े बनती है, भूमि के नीचे की ओर तो अपस्तानिक जड़े निकलती है, और भूमि की ऊपर की ओर पर्ण का विकास होता है। और एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस सेंटेला और धूप घास। इस प्रकार से आपका ऊपरी भूस्तारी कंप्लीट हो। उसके बाद अपन देखते हैं अंतर्भूस्तारी। अंतर्भूस्तारी का अपन अध्ययन आगे करेंगे, ठीक है। हो गया क्लियर यहां तक? तो आगे धूप घास का अपने डायग्राम है। धूप घास में तना क्या हो रहा है? रेंगता हुआ वृद्धि कर रहा है, रेंगते हुए क्षैतिज वृद्धि कर रहा है, साथ साथ में इसमें पर्वसंधि भी पाई जाती है। पर्वसंधि से क्या, और नीचे की ओर तो अपस्तानिक जड़े निकलती है, ऊपर की ओर पर्ण का विकास होता है, पादप के ऊपरी भाग का विकास होता है। इस प्रकार से रेंगता हुआ, देखो तना है, तना क्षैतिज अवस्था में रेंगता हुआ है, जड़े हैं और पर्वसंधि पाई जाती है। इस प्रकार से धूप घास का ऊपरी भूस्तारी का डायग्राम दिखा रहा है। सेकेंड पॉइंट अंतर्भूस्तारी। अंतर्भूस्तारी में क्या होगा? अंतर्भूस्तारी का एग्जांपल क्या है? पुदीना है, या पुदीना बोल सकते हो। इसमें क्या होगा? जो मेन पादप है
उस पादप के अंदर से जो जड़ वाला भाग है उसके ऊपर से कुछ एक शाखा अंदर की ओर ग्रोथ करेगी, अंदर की ओर वृद्धि करके, अंदर की ओर वृद्धि करके वो बाहर निकलेगी और बाहर निकल करके नया पौधा बनाएगी। अंतःभूस्तारी में क्या होगा कि इस प्रकार की अंतःभूस्तारी में भूमिगत शाखाएं तिरछी वृद्धि करेगी, साइड पर वृद्धि करेगी और भूमि से बाहर निकलेगी और बाहर निकल के नया पौधा बनाएगी। इसे अंतःभूस्तारी कहते हैं। एग्जाम्पल पुदीना और गुलदाउदी, ये आपका डायग्राम है, पूरा प्लांट दे रखा है, मुख्य पादप है, उससे से मैं एक मुख्य शाखा बाहर, एक शाखा अंदर की ओर वृद्धि करी और अंदर की ओर वृद्धि करके उससे नया पौधा बना और फिर उससे क्या निकला, पस्तारे जड़े बन गए और साथ साथ में नया पौधा का रूप धारण कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। उसके बाद है भूस्तारे। भूस्तारे की कंडीशन अलग अलग क्या है, यह है अर्धवायवीय तने के वे रूपांतरण है जो भूमि की सतह से सटे हुए होते हैं, मतलब भूमि के संपर्क में रहते हैं, भूमि की सतह से सटे हुए रहते हैं, या इनकी कुछ, या इनकी शाखाएं कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करते, या इनकी जो शाखा है ये कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करते, या तो ये सटे हुए वृद्धि करेंगे, या इनकी शाखाएं है ना, या इनकी शाखाएं कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करेंगे, वापस सट करके वापस नए पौधे का निर्माण करेंगे। तो शाखाएं क्या हो रही है, इनकी शाखाएं कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करेगी, इसके पश्चात ये क्या करेगी, भूमिगत हो जाएगी, अंदर घुस जाएगी, अंदर घुस करके भूमिगत होकर के पस्तानी कलिकाओं से वापस नया पौधे का निर्माण करेगी। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, वेलिस्मेरिया हो जाएगा और अरबी हो जाएगा। यहाँ पर ले दे रखा है ये स्टोलोन है, इसमें प्रारंभ में भूमिगत शाखाएं भूमि से सटी हुई है, या इनकी शाखाएं क्या करेगी, ऊपर की ओर ग्रोथ करेगी, वायवीय वृद्धि करेगी, उसके पश्चात ये भूमि में अंडरग्राउंड हो जाएगी और वापस नया पौधे का निर्माण कर लेगी। इस प्रकार से ये पुदीना में अंतःभूस्तारी का डायग्राम है और ये वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में भूस्तारी का डायग्राम है। चौथा पॉइंट आता है, तीसरा चौथा पॉइंट आता है भूस्तारी का। भूस्तारी का आपने इसी के पहले अंतःभूस्तारी के पहले अपने देखा है ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी क्या करती थी, भूमि में क्या करती थी भैया, अपर साइड पर ग्रोथ करती थी, रेंग करके चलती थी, जिसमें जड़े तो नीचे की ओर बनती थी और पत्तियां ऊपर की ओर बनती थी, ऐसा देखा था। लेकिन भूस्तारिका में क्या हुआ, ये भी ऊपरी भूस्तारी के समान है लेकिन ये जल की सतह पर पाई जाती है। ये ऊपरी भूस्तारी के समान है लेकिन ये जलीय सतह पर पाया जाने वाला पौधा है और इसमें तीव्र काय जनन होता है, इसलिए तेजी से बढ़ता है। ये इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम पर, इसी साल या तो आपके एग्जाम में 21 और 22 में आपके एग्जाम में संभावना है इसके ऊपर थी। क्योंकि ध्यान रखना, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, ध्यान में रखना, जलकुंभी जब किसी भी तालाब में किसी कारण वहां उसका कोई भी कायिक पार्ट चला गया तो वो अत्यंत तीव्र गति से क्या करेगी, कायिक जनन करेगी और कायिक जनन करके अपनी संख्या बढ़ाएगी। संख्या बढ़ा करके क्या करेगी, जो भी तालाब होगा उस तालाब से क्या करेगी, जल से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगी और वो पूरी सरफेस पर फैल जाएगी। जैसे ही तालाब की पूरी सतह पर फैल जाएगा, जैसे जलकुंभी पूरी तालाब की सतह पर फैल जाएगी तो क्या होगा, पूरे जल की तालाब की पूरी ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा, जिससे तालाब में बदबू आने लग जाएगी। जैसे बदबू आने लग जाएगा तो जल खराब हो जाएगा और जल खराब होने से क्या होगा, जलकुंभी की भी आत्महत्या हो जाएगी, जलकुंभी भी मर जाएगी। इस प्रकार से अपन इसके बारे में आगे देखते हैं। अपन ने देखा है भूस्तारिका के बारे में। अब भूस्तारिका का अपना एग्जाम्पल है जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल पिस्टिया। पिस्टिया को बोला जाता जलीय सलाद, ठीक है। और ये अपना जलकुंभी का डायग्राम है जिसमें बड़ी बड़ी पत्तियां हैं,
नीचे ये ध्यान में रखना, यहाँ पर एक जल है, ये जल की सतह पर रेंगता हुआ चलता है, ये जल की सतह पर क्या होता है, रेंगता हुआ चलता है, जल की सतह पर पाया जाता है, ठीक है, जिसमें जड़ें नीचे की ओर पाई जाती है और पत्तियां ऊपर की ओर पाया जाता है, वायवीय में, वायवीय होती है पत्तियां, वायु में पाई जाती है, ध्यान में रखना। अब क्या होगा, इसमें विशिष्ट प्रकार की जड़ें हैं, अपस्तानी जड़ें, और नीचे की ओर क्या पाई जाती है, रूट पॉकेट पाई जाती है, रूट पॉकेट्स पाई जाती है, या रूट पॉकेट्स को आप बोलते हो, हिंदी में बोल सकते हो, मूल कोटरिका, जो ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, जल की ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा जल अवशोषण करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं जलकुंभी क्या है, ऐसी जो कि जल में इतना वृद्धि कर रही है और जल का पूरा जो भी तालाब है उसको बेकार कर रही है। ध्यान में रखना, जलकुंभी में एक तो सबसे ज्यादा तीव्र कायिक जनन करने की क्षमता पाई जाती है, तीव्र कायिक जनन करेगी तो अपनी संख्या बढ़ाएगी, संख्या बढ़ाएगी तो जल में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको खा जाएगी, और खा जाने से क्या होगा, जल में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और जल में कम ऑक्सीजन हो जाएगी तो जो भी जलीय जीव जंतु होगा तो मर जाएगा, इससे क्या होगा, जल प्रदूषण हो जाएगा, और जल प्रदूषण हो जाएगा तो इस वजह से बोला जाता है जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी को क्या कहा जाता है भैया, बंगाल का आतंक कहा जाता है, हो गया, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। उसके बाद अपन यहां बोलते हैं कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक या महाविपत्ति कहते हैं, जलकुंभी को बंगाल का महा क्या कहते हैं, आतंक कहते हैं, और ये एक जलीय खरपतवार है, एक जलीय पादप है, ये रुके हुए जल में अत्यधिक वृद्धि करता है, यह जल में अत्यधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है, और यह पौधा तीव्र कायिक जनन करता है, और ये तीव्र कायिक जनन करने के कारण क्या होगा, जलाशय में तेजी से बढ़ेगा, और तेजी से बढ़ने के कारण क्या होगा, जलाशय को पूरा ढक लेगा, और जलाशय में उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन का उपयोग कर लेगा, जिससे क्या होगा, जलीय जंतु क्या होगा, मछलियां मर जाएगी, और जिससे जल प्रदूषण हो जाएगा। इस कारण जलकुंभी को क्या बोला जाता है, जलीय खरपतवार या जलीय अपतरण कहते हैं, और इस पादप को विदेशों से भारत में सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण लाया गया था। आया ना समझ में, कुछ कुछ आया नहीं, आया समझ में, आ समझ में। उसके बाद अपन देखते हैं क्या हुआ जलकुंभी में, जलकुंभ ध्यान में रखना, ये 12th क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार और दोबारा समझ लेना, जलकुंभी को महाविपत्ति कहा जाता है, बंगाल की महाविपत्ति कहा जाता है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, जलकुंभी को वाटर हाइसियंत कहा जाता है, जलकुंभी क्या करती है, तीव्र कायिक जनन करती है, तीव्र कायिक जनन करने के कारण क्या होता है, क्या होगा, अपनी संख्या बढ़ाएगी, अपनी संख्या बढ़ाएगी तो जल में फैलेगी, और जल में फैलेगी तो क्या होगा, जल में उपस्थित जितनी भी ऑक्सीजन है उसका उपयोग कर लेगी, और जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग कर लेगी तो जल में उपस्थित जलीय पौधे जो भी जलीय जंतु होंगे वो मर जाएंगे, जिससे जल प्रदूषण हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, पहले जब एनसीईआरटी चलती थी राजस्थान वालों के लिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद क्या होगा, वायवीय तने, वायवीय तने का मतलब है जो वायु में पाए जाते हैं, जो कि केवल इतना ज्यादा नहीं है, बुक में भी नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, तो अपन देख रहे हैं कि ये तने का वह रूपांतर जिनका कार्य क्या है, आरोहण करना और सुरक्षा करना, आत्म सुरक्षा करना है, और इनमें कुछ विशेष प्रकार के उदाहरण जो कायिक जनन करते, नागफनी भी कायिक जनन करती है, कैक्टस, अमरबेल, गन्ना आदि, ये वायवीय तने होते हैं जो कायिक जनन करते हैं। उसके बाद आता प्रणाभ स्तंभ, प्रणाभ स्तंभ का मतलब होता है जब तना पत्ती के समान काम करे, जब तना पत्ती के समान काम करे उसको बोला जाता है प्रणाभ स्तंभ, मतलब पर्ण
प्लस स्तंभ, मतलब जो भी तना है वो पत्ती के समान काम कर रहा है, इसलिए उसको प्रणाभ स्तंभ कहा जाता है। जो नागफनी होता है उस नागफनी में तना होता है ना, उसकी तो पत्तियां तो झड़ जाती है और तनाई पत्ती के समान काम करने लग जाता है। तनाई पत्ती के समान काम करने लग जाता है, जब पत्ती के समान कार्य करेगा तो मतलब वो हरा हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी हो जाएगा, और ऐसे तने को अपन क्या बोलते हैं, प्रणाभ स्तंभ कहते हैं। इस प्रकार अपना कायिक जनन वाला पॉइंट खत्म हुआ, अब लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे।